ये कंटिन्यूएशन है हमारे पिछले लेक्चर की इंटरपोलेशन में, जिसमें हमने कुछ प्रॉब्लम को कवर किया है। तो क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे है, कंस्ट्रक्ट फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डिफरेंस टेबल फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो एंड राइट द वैल्यू ऑफ डेल्टा स्केयर 2.3, डेल्टा स्केयर 4.2, डेल स्केयर 4.2। तो डेटा ये दिया गया है, फंक्शन वैल्यू एक्स वैल्यूज, फंक्शन वैल्यूज। इसमें जो एच की वैल्यू है वो 0.2 हो जाएगी। तो इसको फिर हमने इस तरह से कॉलम में एक्स वैल्यूज को लिखा, ये फंक्शन वैल्यूज आ गई। तो इसके बाद हमने इसका फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लिया। तो डेल्टा एफ एक्स ये कॉलम बन गया, डेल्टा स्केयर एफ एक्स का ये कॉलम बन गया, डेल्टा क्यूब का ये बना, डेल्टा 4, डेल्टा 5। इसके अंदर कहीं पे भी ये वैल्यू सेम नहीं हुई, इसलिए हम इसको आगे से आगे देखे जा रहे हैं। तो एट द एंड ये एक वैल्यू पे पहुंच गया है। अगर कहीं ये सेम हो जाते तो एंड पे 0 हो जाता। तो अब ये चूंकि सेम डेटा में वैल्यूज नहीं बनी किसी भी कॉलम में, तो ये कंटिन्यू करता गया और एंड पे एक वैल्यू पे चला गया और ये 6th फॉरवर्ड डिफरेंस तक गया है। अब इस टेबल से हमने ये वैल्यू फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के लिए हम इस कॉलम पे चले जाएंगे, इस कॉलम पे जाएंगे और इस फंक्शन वैल्यू पे चले जाएंगे। फंक्शन वैल्यू है हमारे पास 2.3, इसका हमने सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस लेना है। तो फॉरवर्ड डिफरेंस हम कैसे लेते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आता है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आता है, इसमें से इसको माइनस करते हैं तो ये आता है। जब आपने ये फॉरवर्ड डिफरेंस कोई लेना हो, जैसे यहाँ पे है ये वाला है, तो आपने इस वैल्यू से स्टार्ट करना है उसको। ये वैल्यू देखनी कहाँ पे है, ये 2.3 यहाँ पे है। इससे आपने डाउनवर्ड एक डायगनल बनाना है, इससे डाउनवर्ड ये एरो मैंने शो किया, यहाँ पे आते हैं, इसके बाद अगली वैल्यू यहाँ आते हैं, इसके बाद आगे जाएंगे तो ये वैल्यू आएगी। तो इसका फॉरवर्ड जो है वो ये बनता है, इसका फॉरवर्ड आगे ये बनता है, इसका फॉरवर्ड ये बनता है। क्योंकि हम इनका डिफरेंस लेते हैं यहाँ पे, तो इसका फॉरवर्ड ये कहेंगे हम, फिर इसका फॉरवर्ड हम कहेंगे इनके डिफरेंस से, वो ये आएगा, फिर इन दोनों के डिफरेंस से इसका फॉरवर्ड ये आएगा। तो जब हमने इसको फाइंड करना है और स्केयर है, तो आपने 2.3 से स्टार्ट करना है, डायगनली नीचे जाना है, उस कॉलम पे जाके इसको रीड करना है। तो ये 0.4 वैल्यू देता है, तो फिर इसकी वैल्यू जो है वो हमें 0.4 मिलेगी। अब इसको लेते हैं डेल्टा स्केयर 4.2। अब 4.2 देखते हैं वो यहाँ पे है, यही काम करते हैं, इससे फिर डायगनली नीचे जाते हैं। तो इसका नेक्स्ट वैल्यू आती है 2.3, वो आती फर्स्ट फॉरवर्ड की, हमें लेना है सेकंड फॉरवर्ड। तो हम इस डायगनल को मूव करते हैं, एरो को मूव करते हैं, यहाँ से यहाँ पे आएगा, फिर यहाँ चला जाएगा। इसका मतलब है हमें डेल्टा स्केयर 4.2 की वैल्यू ये मिल जाएगी, -3.1। तो ये दोनों वैल्यूज यहाँ पे, और इसका तरीका आपको यहाँ लिख दिया है मैंने कि कैसे आपने इसको पढ़ना है। इसी तरह से डेल्टा क्यूब अगर हम लेना होता, डेल्टा क्यूब के लिए हम क्या करते, यहाँ से हम चलते, यहाँ डेल्टा पे गए, डेल्टा स्केयर पे गए, यहाँ डेल्टा क्यूब मिल जाता हमें। तो डेल्टा क्यूब हमें मिलता है इसका -3.5। अब आते हैं हम बैकवर्ड डिफरेंस पे। तो डेल 4.2 पे जाना है, डेल स्केयर 4.2 पे जाना है, डेल क्यूब 4.2 पे जाना है। तो इसी तरह से अब ये डायगनली अप जाना है आपने, स्लोपिंग अप भी कह सकते हैं इसको, कि यहाँ से एक अप अपने एक स्लोप बनाते हुए ऊपर जाना है। अब हमने जाना है
डेल स्केयर 4.2 आते हैं अब यहाँ वापस, फिर डेल स्केयर की तरफ लेके जाएंगे, 4.2 से स्टार्ट करेंगे और ये स्लोपिंग अप 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 आपने जाने हैं। ये बैकवर्ड इधर से जब जाते हैं हम तो बैकवर्ड बनते जाते हैं, ये यहाँ से अप जाएंगे तो 1.9 आएगा, फिर इससे आप आगे जाएंगे तो -2.1 आएगा, और आगे जाना है आप तो ये जाएगा। तो ये इस तरीके से एक स्लोप, सेम स्लोप से ये लाइन बन जाती है, इसके ऊपर ये पॉइंट आते हैं। तो इस लाइन पे जो आएंगी वैल्यूज वो हमारी इसके उस डिफरेंस की होंगी, मतलब डेल स्केयर हम ले लेना है तो वो यहाँ से रीड करेंगे हम, डेल क्यूब अगर लेना होगा तो इसके यहाँ से कॉलम से लेके रीड कर लेंगे, फोर्थ लेना होगा तो ये रीड करेंगे। तो ये मैंने सारे लिख दिए, डेल स्केयर 4.2 होगा तो -2.1 ले लेंगे, ये वैल्यू लेंगे, डेल क्यूब 4.2 लेना है तो इसकी नेक्स्ट वैल्यू -11.3 हो जाएगी, डेल 4.2 लेना है तो ये वैल्यू जाके लेंगे। तो ये स्लोपिंग अप जाके आपने वैल्यूज को लिखते जाना। तो ये आपके इस तरीके से डायरेक्ट वैल्यूज किसी भी पॉइंट पे हम उसके फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस को लिख सकते हैं। अब आपने ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। नेक्स्ट है हमारा न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। तो ये उसी तरह से है जैसे फॉरवर्ड था। लेट y इज इक्वल टू fx बी द फंक्शन व्हिच टेक्स द वैल्यूज fx0 fx1 fx2 fxn फॉर इक्विडिस्टेंट पॉइंट्स x0 x1 x2 xn ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला इज। तो अब इसमें सिर्फ फर्क क्या पड़ा है, यहाँ हमने बैकवर्ड वाले लगा दिए, डेल ऑपरेटर को यूज कर लिया, बाकी वैसे के वैसे ही हैं। fx इक्वल टू fx0 प्लस x माइनस x0 ओवर h, डेल fx0 प्लस x माइनस x0 x माइनस x1 ओवर 2 फैक्टोरियल h स्क्वायर डेल स्क्वायर fx0 एंड सो ऑन। तो ये फार्मूला उसी तरह से है, सिर्फ ये वैल्यूज चेंज होंगी। यहाँ इसको अप्लाई करेंगे अब हम, फाइंड ए पॉलिनोमियल विच विल एग्जैक्टली फिट द फॉलोइंग डेटा यूजिंग न्यूटन्स फॉरवर्ड एंड न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। अब दोनों यूज करेंगे और जो पॉलिनोमियल बनती है वो सेम बननी चाहिए, हम फॉरवर्ड यूज करें या बैकवर्ड यूज करें। अब इससे ये चेक हो जाएगा कि जो दोनों हम मेथड फार्मूला लगा रहे हैं वो क्या सेम पॉलिनोमियल बनाते हैं। तो पहले तो इसको कॉलम्स में लिख लेते हैं, 1, 3, 5, 7, 9, 11, फिर इसका फंक्शन वैल्यूज लिखते हैं, फिर इसके फॉरवर्ड डिफरेंस ले लेते हैं, फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस उसका कॉलम बन गया, सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस उसका बन गया, थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस उसका, फोर्थ पे ये जीरो हो गया। इसका मतलब इसकी जो पॉलिनोमियल बनेगी उसकी डिग्री 3 होगी। अब ये वैल्यूज जो हैं 1, 3, 5, इनमें डिफरेंस देखें तो वो 2 का है, इसका मतलब एच की वैल्यू हम 2 यूज करेंगे। अब हम जब फॉरवर्ड डिफरेंस लगाएंगे तो x0 ये रखा जाएगा और ये वैल्यूज उसके लिए यूज होंगी ऊपर से, fx0 की वैल्यू 3 होगी, डेल्टा fx0 की वैल्यू 11 होगी, डेल्टा स्केयर fx0 की वैल्यू -6 होगी, डेल्टा क्यूब fx0 की वैल्यू 3 होगी यूज होकर। जब हम बैकवर्ड डिफरेंस लगाएंगे तो इस साइड से जाएंगे, फिर हम ऊपर को उसमें x0 इसको रखा जाएगा, पहली वैल्यू को नीचे से x0 रखा जाएगा, ये उसका fx0 होगा, ये डेल fx0 होगा, ये डेल स्केयर fx0 होगा, ये डेल क्यूब fx0 होगा। फॉरवर्ड डिफरेंस में ये वैल्यूज यूज करेंगे हम सारी, बैकवर्ड में ये वैल्यू यूज करेंगे। अब आते हैं इन फार्मूलाज पे। ये हमारा फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला है, हम इसको डेल्टा क्यूब fx0 तक लिखेंगे, ये टर्म सारी लिखी जाएंगी।
फिर इनमें वैल्यूज डाली जाएंगी। एफ एक्स इज इक्वल टू 3, ये वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद x माइनस x 0 था, उसकी वैल्यू ये डाल के, ये वैल्यू सारी हमने उस टेबल से यहाँ से पुट कर दी। उसके बाद जब सिंप्लीफिकेशन है, सिंप्लीफिकेशन की तो हमारे पास पॉलिनोमियल बनी 1/16 x³ − 21 x² + 1/559 x - 91। ये न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला ने बना दिया। अब आते हैं हम बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला पे, उसमें फिर इसी तरह का फार्मूला हम लिखेंगे। अब इसके अंदर एफ एक्स जीरो चेंज हो जाएगा, एक्स जीरो चेंज हो जाएगा, एक्स वन चेंज हो जाएगा, ये सारे चेंज हो जाएंगे और ये वैल्यूज भी चेंज हो जाएंगी। अब हमने आना है बैकवर्ड पे, तो एफ एक्स जीरो आपको जैसे बताया था कि ये इधर से हमने लेना है और एक्स जीरो इसको लेके चलना है आपने, इधर एक्स वन होगा फिर ये एक्स टू होगा। तो अब ये एफ एक्स जीरो हो गया इसके लिए, बैकवर्ड के लिए। तो ये हमने यहाँ 28 लिखा, एक्स माइनस 11/2 फैक्टोरियल वो 2 हो गया, एच की वैल्यू वो 2 हो गई। और इसके बाद जो अगली वैल्यू है वो फर्स्ट फॉरवर्ड डिफरेंस 5 है, ये यूज़ किया जाएगा। सेकंड फॉरवर्ड डिफरेंस 3 यूज होगा और थर्ड फॉरवर्ड डिफरेंस बैकवर्ड डिफरेंस वो भी 3 यूज होगा। तो ये सारे बैकवर्ड डिफरेंसेस यूज होंगे। अब इनको वैल्यूज को पुट कर देते हैं यहाँ। तो ये अगली टर्म आएगी x माइनस 11 x माइनस 9 ओवर 2 फैक्टोरियल और 2 स्केयर हो गया और अगली वैल्यू 3 आ गई। नेक्स्ट फिर x माइनस 11 x माइनस 9 x माइनस 7, तो नीचे उसी तरह से वैल्यूज आ गई और ये थर्ड फॉरवर्ड बैकवर्ड डिफरेंस आ गया। अब इनको भी उसी तरह जैसे सिंप्लीफिकेशन है ये, वो जब हम करते हैं तो वही हमारे पास पॉलिनोमियल बन जाती है जो फॉरवर्ड ने बनाई थी, वही बैकवर्ड ने बना दी है। अब इसके बाद ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों ने कंप्लीट करने हैं इसी तरह से इनके टेबल बना के। तो टेबल से आपको पता चलता जाएगा, यहाँ कुछ तो मैंने आंसर दिए हैं, जैसे इसका दे दिया है ये पॉलिनोमियल डिग्री 4 बनी है, ये 3 बनी है, तो ये दो क्वेश्चन के तो आंसर भी दे दिए, बाकी ये आपने कंप्लीट करके लेने हैं। इसके बाद है न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला ऑफ इंटरपोलेशन। अब ये फार्मूला तो उसी तरह से है जैसे पीछे हमने लिखा था, पहले ये फार्मूला वो एज इट इज लिखा गया है, अब इसमें थोड़ी सी चेंज लानी है हमने। अब ये तो एक पॉलिनोमियल बनाता है, लेकिन अगर हम पॉलिनोमियल ना बनाएं, हम डायरेक्ट किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं। उसके लिए हमने इस पॉलिनोमियल को चेंज करना है, इस फार्मूला को चेंज करना है, नए फार्मूला में चेंज करना है। उसके लिए हम कहते हैं जी, हम कोई फंक्शन वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं एट एक्स, और एक्स को हम कहते हैं जी एक्स पी पे हम फाइंड करना चाहते हैं, और एक्स पी की वैल्यू क्या होगी, एक्स जीरो प्लस पी एच। जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स वन, उसको हम लिखते हैं इक्वल टू एक्स जीरो प्लस 1 टाइम्स एच, एक्स टू को हम लिख लेते हैं एक्स जीरो प्लस 2 टाइम्स एच, इसी तरह एक्स पी को हम लिख सकते हैं एक्स जीरो प्लस पी टाइम्स एच। तो ये क्या होगा फिर, यहाँ से एक्स जीरो इधर ले आओ, तो ये बन गया एक्स माइनस एक्स जीरो इक्वल टू पी एच, क्योंकि हमारे पास यहाँ है x माइनस एक्स जीरो, इसकी इसको रिप्लेस करना है, फिर हमने इसको रिप्लेस करना है और इसको करना है, इसी तरह से ये कंटिन्यू करते जाएंगे। तो x माइनस एक्स जीरो की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाती पी एच। हमें अब चाहिए अगली वैल्यू x माइनस एक्स वन, इसको हम x माइनस एक्स जीरो कर देते हैं और प्लस एक्स जीरो कर देते हैं। तो x माइनस एक्स जीरो की वैल्यू ऊपर हमारे पास ये वाली है, पीएच लगा देंगे, और इस वाले को हम इस फॉर्म में पहले चेंज कर लेंगे एक्स वन माइनस एक्स जीरो। एक्स वन माइनस एक्स जीरो की वैल्यू एच होती है, वो एच लगा दी।
इन दोनों में से h जो कॉमन ले लेते हैं तो h टाइम्स p माइनस वन बन जाता है। तो x माइनस एक्स वन की वैल्यू h टाइम्स p माइनस वन बन गई। अब हमने बनानी है इसकी वैल्यू x माइनस एक्स टू की। x माइनस एक्स टू को हम लिख सकते हैं x माइनस एक्स वन, फिर इसी तरह से माइनस एक्स वन किया तो प्लस एक्स वन कर देना है। तो फिर इसकी वैल्यू और इस एक्स टू माइनस एक्स वन को हम एच लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू हम ऊपर बना चुके हैं तो ये वैल्यू जब यहाँ डाल देते हैं फिर एच को कॉमन लेते हैं ये हमें मिल जाता है एच इंटू पी माइनस टू। इसी तरह से ये एक पैटर्न बन गया कि एक्स माइनस एक्स थ्री लिखेंगे तो एच इंटू पी माइनस थ्री लिख देंगे। अब ये वैल्यूज हम डाल देते हैं ऊपर वाले फार्मूला में। एक्स को हम एक्स पी लगा देते हैं, इधर तो एफ एक्स जीरो रहेगा प्लस ये भी ऐसे ही रहेगा, सिर्फ पहला पार्ट चेंज होगा, पी एच ओवर एच बनेगा। इसी तरह वन ओवर टू फैक्टोरियल, ये पहली वैल्यू बनी ये दूसरे की बनी, आगे आ गया। इसी तरह से ये वैल्यूज हमने सारी पुट की। अब इसके बाद ये कैंसिल हो जाने हैं, एच एच कैंसिल हो जाना है। यहाँ एच स्केयर है, यहाँ भी एच स्केयर बना, वो भी कैंसिल हो गया। यहाँ एच क्यूब बनेगा, वो भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास ये एच के बगैर ये एक फार्मूला बन गया, एफ एक्स पी इक्वल टू एफ जीरो एफ एक्स जीरो प्लस पी इंटू डेल्टा एफ एक्स जीरो प्लस पी इंटू पी माइनस वन ओवर टू फैक्टोरियल डेल्टा स्केयर एफ एक्स जीरो प्लस पी इंटू पी माइनस वन पी माइनस टू ओवर थ्री फैक्टोरियल डेल्टा क्यूब एफ एक्स जीरो एंड सो ऑन। तो ये हमें डायरेक्ट किसी पॉइंट पे, उस पॉइंट को हम यहाँ पुट कर देंगे और इधर पी की वैल्यू डालेंगे, बाकी इन फॉरवर्ड डिफरेंस वैल्यूज को डालेंगे तो डायरेक्ट हमें उस पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू मिल जाएगी, पॉलिनोमियल नहीं बनेगी, पॉलिनोमियल हम नहीं बनाएंगे। अब इसी की तरह का फार्मूला हमारा न्यूटन्स फार्मूला बैकवर्ड डिफरेंस का बनेगा। इसमें यहाँ पे पी माइनस वन है, पी माइनस वन है, पी माइनस टू है, पी माइनस थ्री है, इस तरह से। बैकवर्ड में ये पी प्लस की फॉर्म में आएगा, पी प्लस वन, पी प्लस टू, पी प्लस थ्री, इस तरह से ये चेंज आएगी सिर्फ। अब हम ये अप्लाई करेंगे और फाइंड करेंगे डायरेक्ट वैल्यू कोई। कंसिडर द फॉलोइंग डेटा, जीरो टू फोर सिक्स एट करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ गई यहाँ। फाइंड द इंटरपोलेटेड वैल्यूज ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू सेवन। अब एक्स इक्वल टू वन जो है वो इस साइड पे है, एक्स इक्वल टू वन इस साइड पे है, एक्स इक्वल टू सेवन इस साइड पे है। तो इसके लिए हम बैकवर्ड यूज कर सकते हैं, इसके लिए फॉरवर्ड यूज कर सकते हैं। फाइंड द इंटरपोलेटिंग पॉलिनोमियल ऑफ लोएस्ट डिग्री एंड वेरीफाई द आंसर ऑफ पार्ट वन। जो इससे हम फाइंड करेंगे ना फंक्शन वैल्यूज को, वो पॉलिनोमियल बना के वेरीफाई करेंगे कि क्या पॉलिनोमियल भी वही आंसर देती है जो हमने डायरेक्ट फाइंड किए हैं। इसके लिए फर्स्ट पार्ट को टू इंटरपोलेट एट एक्स इक्वल वन, अब एक्स पी को हमने वन रखना है जिसपे हमने इसको फाइंड करना है, एक्स पी की वैल्यू वो रख लेंगे। एक्स जीरो हम देखेंगे वो जीरो है और यहाँ एच की वैल्यू टू है। तो इस फार्मूला में एक्स पी इक्वल टू एक्स जीरो प्लस पी एच में ये वैल्यूज डाल देते हैं, एक्स पी की वैल्यू वन, एक्स जीरो की जीरो और एच की वैल्यू टू। तो यहाँ से पी की वैल्यू मिल जाती है। ये पी की वैल्यू हमने जस्ट यूज करनी है इस फार्मूला के अंदर। इसमें एफ एक्स जीरो की वैल्यू वो डायरेक्ट हमारे पास यहाँ से आ गई, फिर पी की वैल्यू आगे यूज करनी है वो वन बाई टू है, और उसके बाद इसकी वैल्यू डेल्टा एफ एक्स जीरो की ये एट है, इसको यूज किया। फिर प्लस पी की वैल्यू वन बाई टू, यहाँ भी वन बाई टू, माइनस वन हो गया, टू फैक्टोरियल हो गया, डेल्टा स्केयर एफ एक्स जीरो वो यहाँ से 48 आ गई। इसके बाद अगली वैल्यू फिर हमने ये यूज़ करनी है। तो ये जब वैल्यू सारी हमने पुट कर ली हैं, सिंप्लीफिकेशन की, तो ये ज़ीरो हो गई, एफ वन इक्वल टू ज़ीरो मिल गया। डायरेक्ट हमने इसको फाइंड कर लिया विदाउट फाइंडिंग एनी पॉलिनोमियल।
अब आते हैं टू इंटरपोलेट एट एक्स इक्वल टू पी। इसके लिए एक्स इक्वल टू सेवन, पुट एक्स पी इक्वल टू सेवन, एक्स जीरो, अब आपने एट रखना है, ये वाला इस तरफ से जाना है आप। एक्स जीरो इज एट, एच इक्वल टू टू, एक्स पी इक्वल टू एक्स जीरो प्लस पी एच। अब इसमें से ये सेवन और एट जब लगाते हैं पी की वैल्यू माइनस हाफ आ जाती है। अब बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेटिंग फार्मूला के अंदर पी की वैल्यू माइनस हाफ पुट करते जाएंगे और ये वैल्यू एफ एक्स जीरो ये यहाँ से हम पुट करेंगे फाइव एलेवन और ये होगा डेल एफ एक्स जीरो वो टू नाइन सिक्स करेंगे, डेल स्केयर ये वाली होगी, डेल क्यूब ये होगी। अब ये वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट कर दी सारी। उसके बाद जब सिंप्लीफाई किया तो एफ सेवन की वैल्यू आ गई 342। अब ये दो वैल्यूज हमने डायरेक्ट फाइंड की है, अब इनको पॉलिनोमियल बना के फाइंड करके देखते हैं। अब ये इस टेबल को यूज़ करते हैं, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज़ करते हैं। तो इसमें जस्ट पुट करते हैं वैल्यूज इनकी और उससे ये एक पॉलिनोमियल बना लेते हैं। जब ये वैल्यूज हमने पुट किए हैं उससे जो फाइनली पॉलिनोमियल बनी है वो एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस वन बन गई है। इसमें जब एक्स की वैल्यू वन पुट करते हैं तो एफ वन की वैल्यू हमें ज़ीरो मिलती है, यही वैल्यू हमें डायरेक्ट मिली थी इस पॉइंट पे। अब इसमें सेवन पुट करके देख लेते हैं, जब सेवन पुट करते हैं यहाँ पे एफ सेवन हमें मिल जाता है 342। तो ये दोनों वैल्यूज हमने यहाँ फाइंड किए हैं डायरेक्टली, ये 342 डायरेक्ट हमने फाइंड की थी सेवन पे और इसके बाद हमने एफ वन फाइंड किया था ज़ीरो डायरेक्टली विदाउट फाइंडिंग द पॉलिनोमियल। तो ये दोनों तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे फंक्शन वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग पॉलिनोमियल और विदाउट पॉलिनोमियल। इसके बाद फिर ये है क्वेश्चन, द फॉलोइंग टेबल लिस्ट वैल्यूज ऑफ फंक्शन वाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस कॉस एक्स एट सर्टन पॉइंट्स, एस्टिमेट एफ माइनस 0.4 फ्रॉम द गिवन डेटा। अब इस फंक्शन का ये डेटा दिया गया है, सिंस द पॉइंट माइनस 0.4 लाइज नियर द बिगनिंग, ये देखिए यहाँ पे है इस साइड पे है, तो हमने इसके लिए न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस फार्मूला यूज करना है। स्टार्ट में हो तो फॉरवर्ड करते हैं, इधर हो एंड पे हो तो फिर बैकवर्ड यूज करते हैं। अब इसका भी उसी तरह से हमने ये फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बना लिया, इसमें फोर्थ फॉरवर्ड डिफरेंस पे सेम वैल्यू हो गई है तो इससे जो पॉलिनोमियल बनेगी वो डिग्री फोर की बनेगी। अब हमने या तो पॉलिनोमियल बनानी है डिग्री फोर की या फिर हमने इसको डायरेक्ट फाइंड करना है जैसे अभी पीछे किया था कि इस पॉइंट पे डायरेक्ट फाइंड कर लें, इसको एक्स पी रख लें। फिर एक्स जीरो हमारा है माइनस 0.5, एच की वैल्यू 0.2 और एक्स पी हमने रख लिया जिस पे फाइंड करना है माइनस 0.4। एक्स पी की वैल्यू इस फार्मूला में पुट की, एक्स जीरो की पुट की, एच की पुट की, पी की वैल्यू आ गई 0.5। ये हमने अब फॉरवर्ड डिफरेंस जो बनाया था फार्मूला उसमें लगा देना है। ये फार्मूला लिखा जाएगा डेल्टा फोर एफ एक्स जीरो तक लिखा जाएगा ये, और अब जस्ट वैल्यूज पुट की जाएंगी, कैलकुलेशन होगी। इस पे एफ माइनस 0.4 पे आपको 1.834045 वैल्यू मिल जाएगी। तो ये हैं आपके कुछ काम। अब इसके बाद ये एक्सरसाइज दी हुई है, ये थ्री क्वेश्चंस हैं जिस जो आपने कंप्लीट करनी है। तो इसको मैं अब स्टॉप करता हूँ यहाँ पे।